उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा यहां पर कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो पाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 37 और कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए 6 सीटें जितवाकर योगी को पछाड़ दिया। क्या कमबैक योगी आदित्यनाथ करेंगे उत्तर प्रदेश में? भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा यहां पर कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, अगर बात करें गोरखपुर की, तो यहाँ पर बीचों बीच करीब 50 एकड़ में बने गोरखनाथ मंदिर में एक बड़ा चिकित्सालय, आयुर्वेदिक औषधि केंद्र, संस्कृत विद्यालय और कई आधुनिक छात्रावास है। मंदिर के करीब ही एक पुराना लाल गुलाबी रंग का 2 मंजिला मकान भी है, जिसके पहले फ्लोर पर मंदिर के महंत और सांसद अवैधनाथ एक कमरे में रहा करते थे। उनके ना रहने के बाद मंदिर के प्रमुख महंत बने योगी आदित्यनाथ, जो अपने गुरु के कमरे में शिफ्ट हो गए थे। पिछले हफ्ते 3 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह तड़के सुबह उठकर तैयार होकर आवास के बगल में बने शक्तिपीठ मंदिर में पूजा करके वापस लौटे। फिर वो अपनी गौशाला गए और ये तय हुआ कि उसी दिन वो राजधानी लखनऊ लौट जाएंगे। आवास में एक लाल कक्ष है, जिसमें बतौर सांसद लोगों से मुलाकात किया करते थे और सिलसिला आज भी जारी है। लाल कक्ष से गुजरते समय एक पुराने कर्मचारी ने पूछा कि महाराज जी, कल आम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उसके अगले दिन आपका जन्मदिन भी है, आपके दर्शन उसके बाद होंगे। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अगले कुछ दिन कितने चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। 4 जून के नतीजों ने ना तो सबको जगा दिया बल्कि हैरत में भी डाल दिया। लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाने के लिए 272 सीटें जीतनी पड़ती हैं और भाजपा अपने बूते इस आंकड़े तक पहुंचने से 32 सीट पीछे रह गई। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी से बीजेपी को पिछली बार की तरह 60 से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी बुरी तरह से पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी ने उससे ज्यादा सीटें हासिल कर ली, जबकि बीजेपी को 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। भाजपा एनडीए गठबंधन को मिली 36 सीटें और कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले विपक्षी इंडिया ब्लॉक की झोली में आई 43 सीटें। भाजपा के लिए ये करारा झटका था, क्योंकि पिछले चुनाव में एनडीए के पास 64 सीटें थी। योगी आदित्यनाथ के सर पिछली लोकसभा और पिछली विधानसभा चुनाव में जीत का सहरा बन चुका था, लेकिन नतीजे उन्हें भीतर से झकझोर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 37 और कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए 6 सीटें जितवाकर योगी को पछाड़ दिया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मोदी की केंद्र सरकार से ज्यादा भाजपा की राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यकों को सीधे तौर से निशाने पर लिया है, खासतौर से यूपी में, जहां बुलडोजर एक सरकारी प्रतीक बन गया। नए राम मंदिर वाले प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को सबसे करारा झटका लगा है, जिस पर सपा पर भाजपा मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाती रही। उसी ने बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले प्रदेश में सपा को कहीं ज्यादा वोट मिले। बीजेपी जिन सीटों पर हारी उनमें अयोध्या यानी कि फैजाबाद भी शामिल है। हकीकत यह है कि 2019 के आम चुनावों में यूपी में भाजपा को 49.6% वोट मिले थे, जो कि 2024 में गिरकर 41.4% पर आ चुके हैं। दूसरी हकीकत यह भी है कि एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार भी बन चुकी है और नरेंद्र मोदी ने लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनकर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हार की जिम्मेदारी लेकिन किसकी है? देखिए, लखनऊ के हजरतगंज स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय का मंजर 2014 से भी बदला हुआ है। ऊंची छतों, बड़े दरवाजों और कई जगह दीवार में सीलन वाली पुरानी इमारतों ने कई बड़े मुकाम देखे हैं। उस दफ्तर ने 1990 से 2004 तक स्थानीय सांसद और बाद में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकारें भी देखी हैं। उस पुराने दफ्तर ने 2004 में भाजपा सरकार की इंडिया शाइनिंग के नारे वाली आम चुनाव में वापसी करने की नाकाम कोशिश भी देखी है। 2014 के बाद से इस दफ्तर को एक नई शक्ल दी गई, जब अमित शाह प्रदेश में भाजपा कैंपेन के इंचार्ज बने। उस आम चुनाव के चंद महीने पहले इसी नई शक्ल वाले दफ्तर के पहले फ्लोर पर एक वॉर रूम भी बना था, जो एक बूथ की रिपोर्ट रखता था। चंद सालों में इस नए दफ्तर ने योगी आदित्यनाथ को नया मुख्यमंत्री बनते भी देखा, लेकिन अब करीब एक दशक के बाद जैसे जैसे 4 जून 2024 की सुबह रुझान आते गए, इस दफ्तर ने सन्नाटे और नाकामी को फिर महसूस किया। गोरखपुर में राजनीतिक समझ रखने वाले लोग कहते हैं कि इस प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा फैक्टर था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की कम भागीदारी और भाजपा के ग्रासरूट कार्यकर्ता का घटा हुआ मनोबल, क्योंकि ज्यादातर ने पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में खुद को अलग थलग महसूस किया। इस नई शक्ल वाले दफ्तर में मुझे पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के रुझान आते एक नई चीज देखने के लिए मिली थी। समर्थक इसके गेट पर जीत का जश्न मनाने बुलडोजर में बैठकर पहुंचते थे। इस चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दफा अपने भाषणों में अपराधी और गलत करने वालों पर बुलडोजर के इस्तेमाल की बात दोहराई थी।
23 मई 2024 को बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से कहा था, मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे आने से पहले यहां बुलडोजर मंगवा लिया। ये माफिया आतंकवादियों का सबसे उचित इलाज है। इस स्पीच के एक हफ्ते पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर संज्ञान लेने की गुजारिश की थी, जिसमें पीएम ने कहा था विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लेने की जरूरत है कि बुलडोजर कहां चलाया जाना चाहिए। साफ है कि मतदाताओं ने न्यायिक प्रक्रिया पूरे होने से पहले किसी के घर या ठिकाने पर बुलडोजर के जरिए बल प्रयोग की नीति को नकार दिया। यूपी चुनाव को कई दफा कवर करने वाले जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बताते हैं कि अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी वाले माहौल में यूपी में आरएसएस कैडर ने अपने आप को अलग थलग महसूस किया। वो कहते हैं कि टिकट वितरण के स्थानीय लीडरशिप से ज्यादा केंद्रीय लीडरशिप का रोल दिखा, जो उल्टा साबित हुआ। इस तरह की अपुष्ट खबरें आती रही कि आगे चलकर भाजपा योगी को बदल भी सकती है, जबकि खुद योगी और पीएम भाषणों में बुलडोजर की बातें दोहरा रहे थे। स्थानीय मीडिया में आम नैरेटिव यही चलाया जा रहा था कि कड़क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से ज्यादातर लोग खुश हैं, लेकिन हकीकत ये रही कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार और झारखंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भाजपा अपने गढ़ यूपी में ही सिमट गई। उत्तर प्रदेश का लंबा दौरा करके लौटे पत्रकार कहते हैं कि किसी न किसी पर तो ब्लेम आना ही था। दबे स्वर में सही, लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ को यूपी में खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर चुके एक दलित नेता के नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताते हैं कि यूपी की 80 सीटों में से कम 25 सीटों पर उम्मीदवार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने चुने, जबकि योगी किसी और को लड़ना चाहते थे। अखिलेश यादव ने इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया और टिकट बांटने में चाणक्य वाली भूमिका निभा दी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में सीट बंटवारे को लेकर जो भी मतभेद रहे हो, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक गठबंधन ने अपने कई करीबियों को भी मना करते हुए कुछ टिकट ऐसे दिए जो त्रुप का पत्ता साबित हुए। मिसाल के तौर पर सपा के अखिलेश यादव पर सिर्फ 5 यादव कैंडिडेट को टिकट देना, भले ही वे सबके उनके परिवार के हों, या फिर सिर्फ 5-6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना, इस बात का साफ इशारा है कि वो अपनी गणित बैठाकर ही मैदान में उतरे थे। यानी इंडिया ब्लॉक ने ओबीसी दलित कार्ड को जितनी बेहतरीन तरीके से खेला, उसे भाजपा ने समझने में देर कर दी। उत्तर प्रदेश में ही एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि विपक्षी लोगों को ये बताने में लगा रहा कि अगर भाजपा सरकार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, एक नए भारत का निर्माण होगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसको पहले चरण के मतदान में ही पकड़ने की जरूरत थी, लेकिन हुआ उसके उलट, नुकसान भरपाई करने की कोशिश। 4 जून की शाम तक पता चल चुका था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पर लोगों ने कम भरोसा दिखाया है। राम मंदिर निर्माण और हजारों करोड़ रुपए के साथ अयोध्या के नवीनीकरण, बुलडोजर के न्याय दिलवाने जैसे दावों ने बड़ी छाप नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये पहली अब आसान हो रही थी। 7 जून को उन्होंने प्रयागराज में प्रदेश सिविल सेवा आयोग से बात करके ये पता करना चाहा कि राज्य में कितनी सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। 8 जून को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर सभी से कहा, अब बस बहुत हो गया है, आप लोग वीआईपी कल्चर से दूर रहिए, अपने चुनाव क्षेत्र में जाइए, जनता से दोबारा कनेक्ट बनाइए, ये गाड़ियों पर हूटर वूटर लगाना बंद होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक यूपी के युवा में इस बात को लेकर रोष है कि निचले स्तर की सरकारी भर्तियां टलती रहीं और सरकार ने मुफ्त राशन और फ्री गैस जैसे स्कीमों पर ज्यादा ध्यान दिया। चुनावी नतीजों से साफ हो चुका है कि इंडिया ब्लॉक को जातीय समीकरण के आधार पर टिकट बांटने को फायदा मिला, साथ ही युवा वर्ग ने भी उन्हें ज्यादा वोट दिया। उत्तर प्रदेश में कई केंद्रीय मंत्रियों, योगी कैबिनेट के मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, जिनमें स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, महेंद्र पांडे, अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान, कौशल किशोर, वीपीएस वर्मा शामिल है। बढ़ती हुई महंगाई, अग्निवीर की भर्तियां, सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक होना, उसके बाद सरकारी नौकरियों की भर्ती में देरी, इन सभी मुद्दों का असर यूपी के युवा वोटरों पर पड़ा। फिर भी यह मुद्दा यही बना रहा कि इसमें योगी आदित्यनाथ को क्या कांग्रेस सपा ने झटका दिया या फिर किसी और ने। योगी आदित्यनाथ के करीबी तो यही कहते हैं कि अगर प्रदेश में भाजपा को दोबारा अपनी साख बनानी है तो उसे योगी ही बना सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के मसीहा वही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ नेता इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि योगी बहुत जल्द आगे निकल जाना चाह रहे थे, लेकिन राजनीति में हर चीज अपने समय पर ही और थोड़ा धीरज के साथ ही अच्छी लगती है। अब देखना है कि क्या कमबैक योगी आदित्यनाथ करेंगे उत्तर प्रदेश में। हेडलाइन में आजकल इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।